गूगल सर्च कंसोल करता क्या है, ठीक है ना, इसका पर्पस क्या है, ये हम देखेंगे और उसके बाद हम इसको सर्च कंसोल में लेकर आएंगे कि इसका पर्पस क्या है, काम क्या है। मॉनिटर, मॉनिटर करेगा किसको, मॉनिटर करेगा वेबसाइट को, मॉनिटर करेगा, मेंटेन करेगा आपकी वेबसाइट को, कि अगर आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं। देखिए ना, वेबसाइट को देखने के दो हिसाब हो सकते हैं। एक तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पर लोग कितने आते हैं, लोग कहाँ से आते हैं, ठीक है। ये काम सर्च कंसोल का नहीं है। सर्च कंसोल का क्या काम है, ये काम है गूगल एनालिटिक्स का, कि लोग कितने आते हैं, लोग कहाँ से आते हैं। ये काम कहाँ से करूँगा मैं, एनालिटिक्स से करूँगा। मैं सर्च कंसोल से क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करूँगा। और किस लिए मॉनिटर करूँगा, इसलिए मॉनिटर करूँगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट गूगल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि नहीं है। और उसके बाद अगर मुझे कुछ फील होगा कि इसमें कुछ इश्यूज हैं, तो मैं उनको मेंटेन भी करूंगा और उनको ट्रबल शूट भी करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुझे बताएगा, ये मुझे दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट्स में क्या इश्यूज हैं। गूगल सर्च कंसोल मुझे बताएगा कि मेरी वेबसाइट इंडेक्सेबल है कि नहीं, मेरी वेबसाइट क्राउलेबल है कि नहीं, मेरी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, मेरी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, मेरी वेबसाइट की स्पीड तेज है कि स्लो है, ठीक है। लोग इसे खोलते हैं तो क्या ये इसके कंपोनेंट्स आप हिलना शुरू हो जाते हैं कि नहीं हिलते हैं, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमें सर्च कंसोल की ज़रूरत है। सो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के हवाले कर देते हैं कि भाई अब इसको ज़रा देखो और हमें बताओ कि क्या ये आपके मुताबिक है, गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि नहीं है। अब अगर आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि या तो उसमें एरर्स हैं या उसमें डुप्लीकेशन है। अगर आपकी वेबसाइट किसी और की वेबसाइट की कॉपी होगी तो भी क्रॉल नहीं होगी, और अगर आपकी वेबसाइट में एरर होंगे तो भी क्रॉल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने वेबसाइट बनानी है, उसका कॉन्टेंट टाइप करना है, तो हमारे जहन में होना चाहिए कि हमने डुप्लीकेट कॉन्टेंट यूज नहीं करना, बल्कि हर कॉन्टेंट यूनिक होना चाहिए। लोगे आपको नई इमेजेस पे काम करना है, इमेजेस के ऊपर डुप्लीकेशन के चांसेस थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए कि इमेज में तो आप क्या कर सकते हो, रेड को लाइट रेड कर सकते हो, है ना। लेकिन जो आपका कंटेंट है, टाइपिंग है, जो टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ की फॉर्म में है, वो वाला कंटेंट अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो क्रॉलर आपकी वेबसाइट को कभी भी क्रॉल नहीं करेगा। सो हमें करना क्या है कि हमें कंटेंट नया लिखना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है ना। और मैंने आपसे ये कहा था कि आप इतने अपने ऊपर डिपेंड ना करें, आप अपने इर्द गिर्द में जितने लोग हैं जो आपको जहाँ पर हेल्प आउट कर सकता है उससे हेल्प लें। अगर कोई भी बंदा आपको, जैसे आपने वेबसाइट पे कंटेंट लिख लिया और डुप्लीकेट लिख लिया, ठीक है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा है जो आपको इंग्लिश में कुछ लिख कर दे सकता है, आप उसे अपना कॉन्टेंट दें, उन्हें कहें जी ये पैराग्राफ है, इसे आपने रीराइट करके मुझे देना है, डुप्लीकेशन ना, वो नया पैराग्राफ लिखवाएं और उसको अपनी वेबसाइट पर रिप्लेस करें। आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 300-400 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है जो यूनिक हो, तो आपकी वेबसाइट क्रॉल करेगी, ठीक है। प्लेजरिज्म आप समझेंगे नहीं अलाउड, तो ही आप वेबसाइट क्रॉल करेगी, ठीक है। अदरवाइज तो 5-10% हो तो डजंट मैटर, लेकिन आप गूगल कहता है गूगल क्रॉल ही नहीं करेगा, और अगर कर भी देगा तो पहला मुकाबला तो आपका गूगल से है ना, दूसरा मुकाबला आपका अपने कंपिटेटर से है। तो अगर आपने प्लेजरिज्म किया हुआ है, डुप्लीकेशन की हुई है, और आपके कंपिटेटर ने यूनिक कंटेंट दिया हुआ है, तो आप हमेशा उसके नीचे ही रहेंगे, ऊपर कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। सो आप, और एसईओ में कहते होते हैं कंटेंट इज द किंग, कहते हैं जी आपकी पूरी एसईओ में जो सबसे ऊपर हावी चीज़ है ना, वो आपका कॉन्टेंट है, कि आपका कॉन्टेंट कैसा है। यानी अगर आपने कॉन्टेंट कहीं से लिया हुआ है तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करा पाएंगे। और अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और बाकी चीज़ें कुछ हल्की फुल्की सी ऐसी हैं जो गूगल ने रिजेक्ट नहीं की हुई लेकिन इम्प्रेसिव नहीं है, तो भी आप रैंक कर जाएंगे। महा अलबत्ता अगर मिसाल के तौर पर गूगल के आपका मोबाइल फ्रेंडली पेज ही नहीं है, तो बेशक कॉन्टेंट अच्छा हो फिर भी नहीं रैंक करेंगे आप। मोबाइल फ्रेंडली पेज तो होना चाहिए ना, कि भाई मोबाइल पर खुले तो मोबाइल की तरह खुले, डेस्कटॉप पर खुले तो डेस्कटॉप की तरह खुले, इसका मतलब है मोबाइल फ्रेंडली। अभी एक थोड़ा सा मैं मुख्तसर से आपको बताने लगा हूँ, टूल्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ सर्च कंसोल, यानी कि सर्च कंसोल क्या करता है। जैसे अभी मैंने आपको मुख्तसर बताता जा रहा हूँ साथ साथ,
कि सर्च कंसोल कर क्या रहा है, ठीक है। नंबर वन, कंफर्म दैट गूगल कैन फाइंड एंड क्रॉल योर साइट, यानी इसके जो टूल्स हैं वो क्या आपकी हेल्प करेंगे कि आपको क्रॉल करने में हेल्प करेंगे। एक टर्म होती है क्रॉलिंग, एक टर्म होती है इंडेक्सिंग, दो टर्म्स है ना। क्रॉल करेगा तो इंडेक्स होगा, यानी कि सबसे पहले उसने क्रॉल करना है। अगर क्रॉलेबिलिटी ही नहीं है तो इंडेक्सेबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी क्रॉलेबिलिटी होगी पहले वो क्रॉल करेगा, अगर गूगल अलाउ कर देगा कि भाई इस वेबसाइट को क्रॉल करो तो वो इंडेक्स होगी। इंडेक्स का क्या मतलब है, यानी क्रॉल का क्या मतलब है? क्रॉल का मतलब ये है कि 10 वेबसाइट्स हैं जो एक ही तरह की वेबसाइट बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन 10 ने 10 की 10 ने क्रॉल होने, उन 10 में से 5 जो है वो डुप्लीकेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे बच गई 5, वो तो निकल गई ना बीच में से। मैंने कहा ना आपको डुप्लीकेट को क्रॉल नहीं करेगा, पीछे बच गई 5, उन 5 में से कुछ का कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, कुछ का कॉन्टेंट एवरेज है और कुछ का कॉन्टेंट बहुत ही पुअर है। अब वो जो 5 वेबसाइट्स हैं, अब वो क्रॉल तो हो रही हैं, बारी बार बार क्रॉल हो रही हैं, लेकिन वो वाली जो 5 वेबसाइट्स हैं, अब उनमें से ऊपर किसने आना है, पहले नंबर पे किसने आना है? हाँ जी, जिसका कंटेंट अच्छा है। तो बेसिकली गूगल करेगा क्या, क्रॉलर क्या करेगा, उसकी इंडेक्सिंग करेगा, जो सबसे अच्छी वेबसाइट होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो उसके दूसरे नंबर पर रैंक कर रही होगी वो उसके नीचे, और इस तरह 5 वेबसाइट की एक लिंक बन जाएगा। जो मैं कहता हूँ ना पहली 3 वेबसाइट्स को देखो, बेसिकली ये पहली 3 इंडेक्स साइट्स हैं जो गूगल के नज़दीक इंडेक्स हो गई है। यानी एक टर्म है क्रॉल करना और एक टर्म है इंडेक्स करना। आई होप कि आपको डिफरेंस का पता लगा है। अच्छा, आपका क्वेश्चन मुझे लग रहा है इररिलेवेंट है, दोबारा बोले, आपने क्या क्वेश्चन दिया? ठीक है, थोड़ा बहुत रेलिवेंट है। अब वो कह रहे हैं सब डोमेन क्रॉल होगी कि नहीं होगी। अगर आपका कंटेंट बहुत शानदार है तो सब डोमेन जो है वो क्रॉल होगी, ठीक है। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ठीक है, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। नेट बंद हो गया, बैक पकड़ें। मिसाल बता देता हूं आपको कि सब डोमेन रैंक होगी, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि रैंकिंग फैक्टर में जो डोमेन है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी अपनी डोमेन होनी चाहिए। और फिर जब हम डोमेन्स की बात कर रहे हो तो फिर हम एक बात और भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि डोमेन किस एक्सटेंशन की डोमेन है। जो सबसे अच्छी डोमेन की अथॉरिटी होती है वो .com की होती है, सबसे ज़्यादा जो डोमेन अथॉरिटी होती है वो .com डोमेन की सब अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर आपने कंटेंट भी अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट आपने लिखा हुआ है और जाकर सब डोमेन पे लिखा है, यानी कि आपने वेबसाइट में एरर्स भी नहीं है, आपकी वेबसाइट में वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी है, सब कुछ है, यानी कि वेबसाइट की स्पीड भी बहुत अच्छी है और आपका जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट भी बिल्कुल नहीं है, तो आप उससे रैंक करवा सकते हैं इवन सब डोमेन में। लेकिन सब डोमेन से क्लाइंट्स पे मे भी इतना अच्छा इंप्रेशन ना पड़े, आपके क्लाइंट के ऊपर हो सकता है कि उसका अच्छा इंप्रेशन ना पड़ रहा हो, लेकिन सब डोमेन रैंक हो सकती है, ठीक है। चलें, ये हो गया, ये भी चल पड़ता है, इसको भी देखते हैं, वापस आ जाएं स्लाइड में। अच्छा, उसके बाद क्या काम करेगा सर्च कंसोल का, और क्या काम है, फिक्स इंडेक्सिंग प्रॉब्लम्स एंड रिक्वेस्ट री इंडेक्स फॉर न्यू और अपडेटेड कॉन्टेंट। इसका क्या मतलब है, कहता जी कि क्रॉल नहीं हो रही थी वेबसाइट, ठीक है, इसने हमें बताया। अच्छा, ये भी नहीं बताएगा आपको, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिससे आपको पता लग जाएगा डुप्लीकेट कंटेंट कौन सा है, उसके लिए हमें अलहदा से टूल यूज़ करने पड़ेंगे डुप्लीकेशन को चेक करने के लिए। मतलब अगर एरर होंगे तो बताएगा, डुप्लीकेशन होगी तो नहीं बताएगा आपको, ठीक है, वो ये कहेगा आपकी वेबसाइट में कोई एरर नहीं है, लेकिन आप चेक करेंगे कि क्यों क्रॉल नहीं हो रही है बस, और मैसेज भी आ जाएगा कि ये इंडेक्स नहीं हो रही है,
यानी पहले आपने वेबसाइट को क्रॉल करवाना है, क्रॉल कराने के लिए आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। अब वो ये क्या कह रहा है, कहता है क्या करेगा, फिक्स इंडेक्सिंग प्रॉब्लम्स, यानी मेरा मुझे पता लग गया भाई डुप्लीकेट कंटेंट था, इस वजह से मेरी इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया, फिक्स किया इसको, और यहाँ आकर हम अपनी वेबसाइट को क्विक इंडेक्स भी करवा सकते हैं। क्विक इंडेक्स करवाने का क्या मतलब है, एक तरीका तो ये है कि भाई क्रॉलर आएगा आपकी वेबसाइट पे, कब आएगा आपकी वेबसाइट पे ये आपको तो नहीं पता, क्रॉलर का अपना एक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, और कितनी देर आपकी वेबसाइट पर होना है ये भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इट इज कॉल्ड क्रॉल बजट, क्रॉलर का क्रॉल बजट कहलाता है ये सब कुछ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, वेबसाइट बना के रख दी है 2 महीने पहले, और अचानक मैं आया हूँ और मैंने अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर दी, और याद रखें जिन वेबसाइट्स में फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रही होती हैं उन वेबसाइट्स का क्रॉलिंग ज्यादा बेहतर होती है उन वेबसाइट्स की निस्बत जो एक दफा बंदा बनाकर रख छोड़े। एक बंदा है जो क्या करता है, हर 2 दिन के बाद अपनी वेबसाइट का कंटेंट अपडेट करता है, सो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी क्रॉलिंग भी बेहतर है और उसकी इंडेक्सिंग भी ज्यादा कर रहा है क्रॉलर, क्योंकि क्रॉलर को पता है कि भाई ये वेबसाइट जो है वो बार बार चेंज होती रहती है, जैसे मैं कहूँ ओएलएक्स की वेबसाइट है बार बार चेंज हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, तो वो तो आपको पता है ना। अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब उसने 24 घंटे के बाद इंडेक्स होना है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आज अपना मोबाइल लैपटॉप सेल पे लगाया तो ये तो कल आएगा ना फिर, ऐसे तो नहीं होता। एक बंदा लगाता है सम टाइम पता लग रहा होता है 5 मिनट्स अगो, कभी लिखा हुआ आ रहा होता है 10 मिनट्स अगो, ऐसे ही आ रहा होता है, जिसका मतलब क्या होगा फ्रीक्वेंट इंडेक्सिंग होने लगी हुई है। तो आप जितना डाटा अपडेट करोगे अपनी वेबसाइट पर उतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस आपकी वेबसाइट पर होती रहती है, ठीक है। नंबर वन, और यहां पर आपको ये चॉइस भी मिलती है, जो मैंने जैसे चेंजेस किए हैं तो मैंने कहा भाई मैंने चेंजेस किए हैं अभी, तो मैं इसको रिक्वेस्ट कर देता हूँ सर्च कंसोल को कि मेरे पेज को जरा फौरी तौर पर इंडेक्स कर दो। एक इंडेक्सिंग कब होनी है, जब उसका क्रॉलर उधर आएगा अपने टाइम के मुताबिक होनी है, और एक इंडेक्सिंग मैंने जैसे इसको रिक्वेस्ट की तो मुझे कहेगा कि जनाब 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपकी वेबसाइट को दोबारा से इंडेक्स करूँगा। तो ये काम भी हम कहाँ कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल में आकर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये काम हमें अक्सर करना पड़ता है जब हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो ये काम हमें अक्सर करना पड़ेगा कि भाई इसमें चेंजेस कर दिए, अब ये जो फ्रेश चेंजेस हैं ये नज़र आनी चाहिए, अदरवाइज हो सकता है 24 घंटे में ना आए, एक दिन लग जाए, समटाइम 10 डेज भी ले लेगा कि आपकी वेबसाइट पर दोबारा आएगा ही नहीं, उसको होगा कि यार ये तो ऑलरेडी इतनी देर देर से चेंज करता है, इस पर जल्दी जाने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर ये काम भी कर सकते हैं जी। रिसीव्स, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं व्यू गूगल सर्च ट्रैफिक डाटा फॉर योर साइट, यहाँ पर ये जरूर आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आई है वो कितनी आई है, मतलब ट्रैफिक दिखा रहा होगा, सोर्स नहीं दिखा रहा होगा, ट्रैफिक दिखा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, रिसीव अलर्ट्स गूगल इनकाउंटर्स इंडेक्सिंग स्पैमिंग और अदर इश्यूज ऑन योर साइट, और कहता है अगर आपकी वेबसाइट पर कोई इश्यूज होंगे तो आपको अलर्ट्स की सूरत में वो इश्यूज भी यहाँ पे नजर आएंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, शो यू विच साइट्स लिंक्स टू योर वेबसाइट, यानी अगर आपने अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स दूसरी वेबसाइट से बनाए हैं या किसी और ने अपनी वेबसाइट के साथ आपकी वेबसाइट का लिंक बनाया है, तो लिंक्स में जाकर आप ये चीज भी देख सकते हो, जिसे हम लिंक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद ट्रबल शूट इश्यूज फॉर AMP, AMP का मतलब ये होता है कि हमारी एक वेबसाइट है जी, उसका हमने मोबाइल वर्जन बनाया हुआ है, अलग से एक टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। एक मोबाइल वर्जन अलग है और डेस्कटॉप वर्जन बिल्कुल अलग है, तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो मोबाइल पे भी फौरन खुल जाती है, उन्हें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ से आकर ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमने ये कन्वर्टेबिलिटी रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है, ठीक है। मोबाइल यूजेबिलिटी और सर्च फीचर्स इसमें हम देख सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, Who can use Google Search Console? यानी कि आप Google Search Console use किसने करना है? यानी मैं कहूँ मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट को कौन देख रहा है? मेरी अपनी वेबसाइट है तो मुझे ज़रूरत है इस वेबसाइट को देखने की, मेरे क्लाइंट्स को ज़रूरत है इसको वेबसाइट को देखने की, ठीक है। तो ये अब देखने लगे कौन यूज़ कर सकता है जी, बिजनेस ओनर्स जिनकी वेबसाइट है, अब हम सोचेंगे वो क्यों यूज़ करेंगे, वो इसलिए यूज़ करेंगे कि भाई उनकी वेबसाइट है, उनको भी पता होना चाहिए कि लोग इस पर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्राउड भी होने लगी हुई है कि नहीं होने लगी हुई, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक ऑनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो वेबसाइट का ऑनर है कि क्या उसकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक भी है कि नहीं है, उसको ये कैसे पता लगेगा, उसको ये सर्च कंसोल से पता लगेगा।
सो इसका मतलब ये हुआ कि सर्च कंसोल का एक्सेस उसके पास होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ जी, एसईओ स्पेशलिस्ट जो एसईओ का काम कर रहा है उसके लिए भी जरूरी है। उसके बाद क्या आ गया, साइट एडमिनिस्ट्रेटर जो वेबसाइट को बैठकर चला रहा है, बनाकर एक बंदे ने दे दी है ना, अब जो चला रहा है उसको एरर कब आना है कोई पता नहीं है, महीने बाद आएगा 10 दिनों के बाद आएगा, तो एक साइट एडमिनिस्ट्रेटर भी बिठाया हुआ है जो वेबसाइट को देख भी रहा है और उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी कर रहा है, उसके लिए भी जरूरी है। और वेब डेवलपर्स जिसने एक नया वेबसाइट बनाकर दे दी है, ठीक है, यहां तक तो हो गया काम हमारा ये सारा। उसके बाद अगला टास्क क्या है हमारा, अगला टास्क ये है कि भाई इस वेबसाइट को हमने अप्रूव कैसे करना है, यही है ना, ये तो हमने समझ लिया कि सर्च कंसोल कर क्या रहा है। हाँ जी, किस किस को नींद आ गई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, चलो मैं म्यूजिक में जा सकता हूँ, मेरी आवाज इतनी मधुर है कि सुनने वाले सो जाते हैं, सोना नहीं है किसी ने। अच्छा, कुछ सो रहे हैं, कुछ अभी कोशिश में, अभी मतलब अभी पहले फेज में है सोने वाले, उसके बाद उन्होंने सोने के फेज में जाना है, ठीक है। दो हमारे पास हैं, देखिए एक पे लिखा हुआ है डोमेन और एक पे लिखा हुआ है यूआरएल। हम लोगों ने मोस्टली यूज करना है यूआरएल वाला तरीका, लेकिन मैं आपको डोमेन वाला प्रोसीजर बताऊंगा जरूर कि ये कैसा होता है। ये रिस्की होता है, इसमें आपको होस्टिंग की कंपनी को इन्वॉल्व करना पड़ता है और इसमें आपकी जो वेबसाइट होती है वो थोड़ी देर के लिए डाउन भी होती है, कुछ घंटों के लिए, ठीक है, इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करते। इन दोनों में फर्क क्या है, एक है अप्रूवल डोमेन लेवल। अब डोमेन लेवल का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका हुआ है डोमेन और सब डोमेन्स का, और आपको एड एंड डोमेन्स का भी समझ में आ चुका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डोमेन के अंदर सब डोमेन्स भी आ सकती हैं, ठीक है। अब मैंने एक वेबसाइट को अप्रूव करा लिया, मेन वेबसाइट को अपनी xyz.com को तो अप्रूव करा लिया, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, 10 दिनों के बाद क्या किया, 5 वेबसाइट्स और लगा दी उसमें, और वो सब डोमेन्स थी मेरी। अप्रूव तो मैंने xyz को कराया, बाकी को तो नहीं कराया हुआ, लेकिन अगर आप पहले मेथड से जहां डोमेन लिखा हुआ है इस मेथड से अगर आप अप्रूवल लेंगे तो इस डोमेन के अंदर जितनी भी साइट्स आएंगी, चाहे वो डोमेन की सूरत में हो या सब डोमेन्स की सूरत में हो, सारी की सारी वेबसाइट्स अप्रूव्ड होंगी। लेकिन अगर आप दूसरा यूआरएल वाला प्रोसेस यूज करेंगे जिसको हम अक्सर करते हैं, जो हमारे हाथ में कंट्रोल भी होता है, तो इस मेथड में आप 1 by 1 अप्रूव करोगे। मसलन मैं कहता हूँ मेरी पहली डोमेन थी xyz.com, सो मैंने इस मेथड से अप्रूव करा लिया, अप्रूवल का मेथड अभी देखते हैं क्या है, अप्रूव हो गई। 10 दिनों के बाद मैंने क्या किया, एक और डोमेन बनाई, उसका नाम रखा मैंने abc.xyz.com। तो एबीसी क्या है, सब डोमेन है, अभी ये तो अप्रूव नहीं है, अब इसको मुझे नए सिरे से अप्रूव कराना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यूआरएल से हम एक वक्त में एक दफा अप्रूवल लेंगे, और अगर एक से ज्यादा सब डोमेन्स उसमें आएंगी तो बार बार हमें उनका अप्रूवल लेना है। लेकिन जब आप डोमेन में जाकर अप्रूवल ले लोगे तो आप एक मेन डोमेन का अप्रूवल ले लोगे, उसके बाद उसमें जितनी भी सब डोमेन्स बनेगी सब की सब अप्रूव होगी। इजी प्रोसेस जो है वो यूआरएल वाला है, इसलिए कि ये एक्सेस आपके पास होगा। होगा क्या कि इस मेथड में हम जाएंगे, और इस मेथड में जाने से पहले हम करेंगे यही काम कि हम किसी की वेबसाइट को अपलोड कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसी की वेबसाइट को हम अप्रूव कराते हैं, ताकि सारे का सारा काम रियल टाइम हो हमारा, जो काम हम करें रियल टाइम में हो। अब मिसाल के तौर पर यहां पर मैं कहता हूं, ये मैंने कोई सा भी लिंक खोल दिया, यहां मैं लिखता हूं गूगल, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली मैंने कोई भी अकाउंट खोला है, और गूगल सर्च कंसोल को कौन सा अकाउंट चाहिए, गूगल सर्च कंसोल को एक गूगल का अकाउंट चाहिए अप्रूव कर। अब आप देखिए मुख्तलिफ चीजों की बात हो रही है यहाँ पर, हाँ एक बात किसकी कर रहा हूं मैं, वेबसाइट की, दूसरी तो मैं कह रहा हूं इसे अप्रूव करवाना है गूगल से। अब गूगल से अप्रूव करवाने के लिए हमें गूगल वालों के दफ्तर में रब्ता नहीं करना, बल्कि हमने अपने ही जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको अप्रूव करवाना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा जी, गूगल सर्च कंसोल किसी ऐसे अकाउंट में मैंने लिख दिया, ठीक है, और एंटर कर देता हूं। आगे जी ये लिखा हुआ है साइन इन गूगल सर्च कंसोल, यानी कि अब मैं साइन इन होने लगा हूं, लेकिन किससे होगा, मैं अपनी मर्जी का किसी भी जीमेल अकाउंट से हो जाऊंगा, कोई शर्त नहीं है कौन सा जीमेल हो, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट में कोई लिंक बताया ही नहीं हुआ कि भाई मैं ये वाला जीमेल इस्तेमाल करूंगा, नहीं बताया ना हमने, कभी भी नहीं बताया कि हम ये जीमेल यूज करेंगे,
सो हम यहां से इस पे क्लिक कर सकते हैं। किस चीज का? वेबसाइट का लिंक देते हैं। मैंने कहा उसको जीमेल से तो एसोसिएट नहीं करते किसी से, अपनी वेबसाइट को आपने किसी जीमेल से एसोसिएट तो नहीं किया? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वो ईमेल तो कोई भी हो सकता है, मतलब आज एक है तो मैं कल दूसरा भी तो कर सकता हूँ, मगर वो फिक्स तो नहीं है उससे। आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही सर्च कंसोल लिखा क्या हुआ, वही स्क्रीन आ गई जो मैं पीडीएफ फाइल में आपको दिखा रहा था। ओके और मैंने कौन सा मेथड बताया आपको? यूआरएल प्रीफिक्स वाला, ठीक है। अब मिसाल के मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं यहाँ पर आकर एक वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, https://xyz.com, अभी मैंने कोई वेबसाइट भी नहीं लिखी, और यहाँ आकर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, देखिए क्या होता है। क्या हुआ? कह रहा वेरीफाई ऑनरशिप, कह रहा अपनी ऑनरशिप को वेरीफाई करें। अब ऑनरशिप किसकी ऑनरशिप, कौन सी ऑनरशिप पूछ रहा है मुझसे? वेबसाइट की ऑनरशिप पूछ रहा है। कह रहा भाई आप अपनी वेबसाइट गूगल के हवाले करने वाले हैं, ऐसे तो नहीं है ना कि मैं किसी की भी वेबसाइट पकड़ूं और उठाकर गूगल को दे दूं, भाई इसको चेक करो, और फिर उसको जब चेक कर रहा होगा तो कंट्रोल तो मेरे पास आ गया, मेरे जीमेल पर आ गया, ठीक है। तो कहता है ऑनरशिप को वेरीफाई करने के लिए आपको ऑनरशिप प्रूफ भी करनी पड़ेगी। ऑनरशिप को प्रूफ करने का तरीका क्या है उसके पास? कहता है ये देखें क्या चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, डाउनलोड दिस फाइल, ये छोटी सी फाइल दे रहा है। कहता है इसको आपने अपनी वेबसाइट के साथ जाकर अपलोड कर देना है बस, यानी जहां पर आपने अपनी वेबसाइट अपलोड की है वहां पर आप इसको भी अपलोड कर दो। अब हम करेंगे क्या, अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पे पॉज करूंगा, इतना हिस्सा इसका, इसके बाद हम सी पैनल में जाएंगे, किसी एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे ताकि आपको सी पैनल में वेबसाइट्स को अपलोड करना भी आ जाएगा। जब वो वेबसाइट अपलोड हो जाएगी तो उसको फिर सर्च कंसोल भी अटैच करेंगे उसके साथ, ठीक है, इसी मेथड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इसे क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा, बस सिंपल एक डाउनलोड हो गई, इसमें कोई इतना खास मुश्किल फॉर्मेट नहीं है, ये फाइल डाउनलोड हुई है, इसको मैंने सिर्फ अपलोड करना है, मैंने और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। लेकिन करना कहाँ पर है अपलोड? जहां पर मेरी होस्टिंग है, ठीक। चले वो तो कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, अभी तो कुछ नहीं किया हमने, अभी हम उस ना उस वेबसाइट पर गए हैं ना हमें ऑनरशिप मिली है। ऑनरशिप हमें तब मिलेगी जब वो वेरीफाई करेगा कि भाई ये अगर ये जाकर मिसाल के तौर पर मैं ये अपलोड कर देता हूँ फाइल और मेरे पास एक्स वाई जेड है ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ मैं कहीं और अपलोड कर रहा हूँ ना, तो वो यहाँ से आकर चेक करेगा, देखिए वेरीफाई का बटन आ रहा है। जब वेरीफाई का बटन जाए मिसाल के तौर पर मैं अभी दबा देता हूँ वेरीफाई का बटन, कुछ किए बगैर ही लेकिन कुछ शुरू कर दी इतने वेरीफिकेशन, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, फेल हो जाएगी, उस वक्त तक फेल रहेगी जब तक मैं एक्स वाई जी के अंदर जाकर ये फाइल अपलोड नहीं कर दूंगा। ये फाइल उसको मिलेगी, अब बेसिकली उसने वेरिफिकेशन के दौरान किया क्या है, उसने वेरिफिकेशन के दौरान आपकी वेबसाइट में जाकर कोड चेक किया कि मैंने जो कोड इसको प्रोवाइड किया है इसने वहां पर पेस्ट किया है अभी कि नहीं किया। अगर मैंने वहां पर पेस्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जेन्युइनली मेरे पास उसकी ऑनरशिप मौजूद थी, तभी मैं वहां पर अपलोड कर सका हूं ना, हर बंदा तो नहीं अपलोड कर सकता ना। जी जब हम अपने सी पैनल में वेबसाइट लगाएंगे वहां पर इस फाइल को भी एक्स्ट्रा अपलोड कर दें, ठीक है, यही मैं अब आपको आगे बताने लगा, ठीक है।